पाइथन ट्यूटोरियल के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में और साथ में जानेंगे इनपुट फंक्शन का उपयोग हम कैसे करते हैं। पाइथन में इनपुट प्राप्त करने के लिए इनपुट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यह फंक्शन यूजर से डाटा एंटर करने के लिए एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करता है। इनपुट हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है। यह हमारी इनपुट फंक्शन की एक बेसिक सी जानकारी हो चुकी है। अब देखते हैं कि हम इनपुट फंक्शन का उपयोग कैसे करेंगे। इनपुट फंक्शन को समझाने के लिए मैंने अपनी पाइथन की फोल्डर को ओपन किया। वीएस कोड के अंतर्गत न्यू फाइल पर क्लिक करके टेल इनपुट डॉट पी वाई टाइप करता हूं। मैं एक यूजर नेम नाम से एक वेरिएबल को यहां पर लेता हूं। अब इनपुट हमें डिसाइड करना है तो इनपुट टाइप करते ही और ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब यहां पर स्ट्रिंग में मैं टाइप करता हूं इंटर यूजर नेम, एंटर की प्रेस करके मैं इसको प्रिंट करूंगा और लिख दूंगा यूजर नेम। कंट्रोल एस से सेव करके कंट्रोल जे की प्रेस करके इसकी टर्मिनल ओपन करके और मैं इसे हमारी जो टेल इनपुट डॉट पी वाई है रन करता हूं। पाइथन हमारी फाइल का नाम डॉट पी वाई, एंटर प्रेस करते ही आप यहां पर देख सकते हैं एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हुआ। यहां पर मैंने जो लिखा था इंटर यूजर नेम, यहां पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब यहां पर किसी भी एक नेम को हम यहां पर टाइप कर सकते हैं जो हम रखना चाहें, यानी जो यूजर चाहे वो नाम यहां पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि एडमिन, एंटर प्रेस करते ही आप यहां पर देख सकते हैं एडमिन प्रिंट हो चुका है। ओके, इसको और आसान बनाने के लिए मैं यहां से जो प्रिंट है एंटर की प्रेस करूंगा प्रिंट और यूजर नेम टाइप कर दूंगा। मैं चाहता हूं हमारी जो यूजर नेम प्रिंट हो उसके साथ में एक मैसेज भी शो हो, तो जस्ट यहां पर स्ट्रिंग टाइप करेंगे, प्लस प्रेस करेंगे और इसके अंतर्गत मैं लिख देता हूं यूजर नेम इज, सेव किया, रिलोड करेंगे अपने इस कोड को तो आप देख सकते हैं यूजर नेम में मैं एडमिन टाइप करता हूं, एंटर प्रेस करते ही यहां पर क्या प्रिंट हुआ यूजर नेम इज एडमिन। पहले वाले को अगर मैं कमेंट कर दूं तो आपको इजीली समझ में आ सकता है। कमेंट किया, इसको मैं क्लियर और दोबारा से रन किया एडमिन, तो आप देख सकते हैं यहां पर यूजर नेम इज एडमिन प्रिंट हो चुका है। अब इनपुट जो भी वैल्यू रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग में होता है उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये जो पूरी फंक्शन है, ओके, यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया प्रिंट को पेस्ट करूँगा और जस्ट इसी के नीचे मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा टाइप और इस टाइप को क्लोज करते हैं। इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एडमिन टाइप कर लिया, एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं फर्स्ट बार में हमारी जो प्रिंट हुआ एडमिन और दूसरे बार में हमने इसकी क्लास प्रिंट कर दिया कि टाइप कौन सा है, तो आप देख सकते हैं str यानी स्ट्रिंग वैल्यू हमें रिटर्न मिला है। इसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं इसे अनकमेंट करता हूँ और इन सभी को एक बार कमेंट कर देता हूँ। कमेंट किया, एंटर की प्रेस करता हूँ। यहाँ पर एक नंबर नाम की वेरिएबल मैंने लिया, यहाँ पर मैंने दिया इनपुट और मैंने यहां पर बोला इंटर योर नंबर, प्रिंट कर दूंगा नंबर को, सेव किया, क्लियर करेंगे स्क्रीन को, प्रिंट करते हैं। मैं यहां पर एक नंबर टाइप करता हूं, एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं हमारा ये नंबर प्रिंट हो चुका है। अब हमारे पास जो नंबर है हमने पता है कि हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू एंटर किया, क्योंकि नंबर जो होता है इंटीजर वैल्यू में आता है, लेकिन हम देखते हैं हमारी जो इनपुट फंक्शन है किस प्रकार की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी हम टाइप चेक कर लेंगे। टाइप टाइप मैंने चेक किया और ब्रैकेट को यहाँ क्लोज भी कर दूंगा, सेव करूंगा और यहाँ से एंटर प्रेस करके जैसे मैं सेम वैल्यू को यहाँ पर एंटर टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं इसकी हमें क्लास मिल चुकी है str।
यानी इससे ये कन्फर्म होता है कि हमारे इनपुट फंक्शन जो है वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इनपुट फंक्शन क्या है, इसको उपयोग हम कैसे करते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल के अंतर्गत इनपुट फंक्शन के और ज्यादा बारे में हम समझेंगे और देखेंगे इसको और अच्छी तरीके से उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके उपयोगी साबित हो। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।